उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में आपातकाल का जिक्र किया और इंदिरा गांधी की तरफ से लगाए गए इमरजेंसी को देश का सबसे काला दौर बताया। धनखड़ ने कहा कि अगर कोर्ट उस समय नहीं झुकता तो देश में इमरजेंसी नहीं लगती और देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू लेता। धनखड़ ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाए जाने की सराहना की। वहीं बांग्लादेश के घटनाक्रम पर कहा कि कुछ राष्ट्र विरोधी लोग साजिशन ये नैरेटिव चला रहे हैं कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा घटनाक्रम दोहराया जाएगा, लेकिन अब देश न्याय व्यवस्था मजबूत है और उनकी ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। इमेजिन फॉर अ मोमेंट इफ द जुडिशियरी एट द हाईएस्ट लेवल हैड नॉट केव इन हैड नॉट कैपिटुलेटेड टू अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म्स हैड नॉट यील्डेड टू प्रेजेंट डिक्टेटरशिप ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी There would have been no emergency. Our nation would have attained a greater development much before. We would not have to wait for decades.